माननीय मंत्री जी अब विधेयक प्रस्तापित करें। आई इंट्रोड्यूस द बिल। आइटम नंबर 13, श्री अश्विनी वैष्णव जी। अक्षा जी, रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री सौगत राय जी। सर, मैडम, मैं ये रेलवे एक्ट 2024 रेलवे अमेंडमेंट एक्ट इसको विरोध करता हूं। मंत्री ने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजन में बताए हैं कि फंक्शनिंग एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रेलवे बोर्ड विल बी एनहांस्ड विद दिस बिल। ऑल द प्रोविजन ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 आर प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द रेलवे एक्ट 1989 थ्रू द बिल। अभी तक 1989 का एक बिल है, इट्स नॉट ए वेरी ओल्ड। ओरिजिनली एज यू हैव मेंशन, रेलवेज वर सेपरेटेड फ्रॉम पीडब्ल्यूडी, देन द रेलवे बोर्ड वाज सेट अप। मे आई रिप्रेजेंट टू यू ऑनरेबल चेयरमैन दैट द रेलवे बोर्ड इज द वर्स्ट ब्यूरोक्रेसी दैट कैन हैपन। इट इज इनफ्लेक्सिबल, अनेबल टू टेक टाइमली डिसीजन एंड अनेबल to give relief to the people of this country. The railway minister, instead of bringing unnecessary bills which have functioned for a long time, should give attention to railway accidents. He himself was present when the railway accident took place at Balasore. He was present when again the Kanchenjunga express rammed into a stationary goods train. The whole question is, what is the railway doing about safety of passengers on railways? The railway minister has introduced Vande Bharat trains. Good. They take you fast. Ye haath mat dikhaiye. When I oppose something, I can bring all the points. Aapka ye railway board, ye fail to control accidents. Aap isko jyada power dene se माननीय अध्यक्ष जी, ऑनरेबल मैडम, अभी मुझे लगता है कि प्रोफेसर सौगत राय जी के पास शायद काम की बहुत कमी है, इसीलिए बहुत ही कोई भी सुपरफ्लूअस ऑब्जेक्शन लाना इनके पास मजबूरी है, काम नहीं होगा। आप अपनी पार्टी से भी निवेदन करें, ज़्यादा काम लाएं। मैं विषय पर आता हूँ, इस बिल की ज़रूरत क्यों है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे आप सब जानते हैं, रेलवे जब भारत में इंट्रोड्यूस हुई तब पीडब्ल्यूडी की एक शाखा थी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की एक शाखा थी। इसमें एक रेलवे ब्रांच के नाम से अलग से इसका डेवलपमेंट चालू हुआ, और जब रेलवे का विस्तार बढ़ा तो ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें एक अलग तरह की व्यवस्था बननी चाहिए। इसीलिए 1905 में जब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स और दूसरी कई संस्थाएं जिन्होंने रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया, तो एक रेलवे बोर्ड की व्यवस्था आई। और रेलवे बोर्ड की व्यवस्था तब एक स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं आके एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के माध्यम से आई। और इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि बाकी सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में रेलवे एक अलग तरह का डिपार्टमेंट है, ये एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। और दूसरा, इसमें नेटवर्क इफेक्ट होता है कि अगर तीन अलग अलग रेलवे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो जैसे मान लो आज भी कई बार ये प्रश्न आता है, माननीय सांसद महोदय भी कई बार प्रश्न पूछते हैं कि सामान मान लो एक जगह से चढ़ा रेलवे में और दूसरे डेस्टिनेशन पर जाना है, तो रेवेन्यू जो भी सामान चढ़ा रहा है वो तो सारा का सारा अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे देता है, लेकिन बीच में जितने भी रेलवे सिस्टम आए उन रेलवे सिस्टम की भी ज़रूरत होती, तभी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। फिर सेम डायमेंशन होने चाहिए, सिमिलर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रेलवे का टाइम टेबल यूनिफाई होना चाहिए। ये सब व्यवस्थाओं को देखते हुए 1905 में रेलवे बोर्ड को बनाया गया था। और जब 1989 में जब
नया कानून आया इंडियन रेलवे एक्ट ऑफ 1890 को रिप्लेस करके 1989 का एक्ट लाए, उसमें एक ये कमी रह गई थी कि रेलवे बोर्ड को स्टैट्यूटरी पावर देने का जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए थे। एक उसके साथ सेविंग क्लॉज के जरिए से लिंक रखा था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ, लेकिन ये एक कमी थी जिस कमी को ये बिल के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इससे रेलवे बोर्ड के कंप्लीट पावर्स एनहांस होंगे और रेलवे की एफिशिएंसी में इससे बढ़त मिलेगी। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, विधेयक प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 9, माननीय मंत्री वेजन, माननीय सदस्य वेजन पांडा जी। महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा 8 अगस्त 2024 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है। प्रश्न यह है कि यह सभा 8 अगस्त 2024 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। शून्यकाल। माननीय सदस्य श्री वरुण चौधरी जी।